दिन हुए यूपी बोर्ड एग्जाम को, लाखों बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, क्या मानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? परिस्थितियां चाहे जो हों, इस बार जो परीक्षा होगी वो नकल विहीन ही रहेगी और हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को चाहते हैं पढ़ लिख करके देश, प्रदेश ही नहीं देश की किसी भी प्रतियोगिता का वो हिस्सा बन सके और उसमें सफल हों। और जिस प्रकार की परिस्थिति पिछले 15 वर्षों में प्रदेश में पैदा की गई थी, जिसके कारण से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ करके केवल नकल के भरोसे जीतने की मनाही स्थिति बनाई थी, हमारी सरकार का मतलब ही है कि हम बच्चों को अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे और वह हर क्षेत्र में सफल हों, ऐसा प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं नकल माफिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मुंह के खा रहे हैं? अब ये कौन मुंह के खा रहा है वो तो आप लोग देखते रहिए, लेकिन हम नकल नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। कासगंज की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर तिरंगा हाथ में लेकर के अगर कोई देशभक्त जा रहा है और उसकी हत्या हुई है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, हम लोग उससे बहुत दुखी हैं। रामगोपाल जी या सपा के किसी नेता का वोट की घटिया राजनीति के लिए जो बयानबाजी होती है, मैं समझता हूं कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं गठबंधन कर रही हैं और सपा और बसपा एक बार फिर से सामने आने की तैयारी में, कितनी बड़ी चुनौती 2019 के लिए? देखिए, ये पहले भी सारे लोग भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के लड़े हैं और लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण से विजयी हुई है और मुझे आज भी विश्वास है कि 2019 के चुनाव में भी हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विजय प्राप्त करेंगे। हमें देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। कह रही है कि हम बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर लेंगे। वो किसी से भी कर लें, हमको कोई परवाह नहीं है। हम उनके बल पर नहीं जीतते हैं, हम जनता के बल पर जीतते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जीतते हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारी पार्टी के साथ है, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के साथ है। इस बगिया में कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। धन्यवाद।